question, please. Good afternoon, everyone. This is Jaideep, और हम चंडीगढ़ से आए हैं. पंजाब में बचपन से ही शहादत और बहादुरी की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी. तो ऐसी कई स्टोरीज हैं जो हम इंस्पायर करती हैं. अगर रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, तो इस फिल्म से पहले आप कितना लक्ष्मीबाई को जानती थी, उनके बारे में क्या समझ थी आपकी, और फिल्म के बाद क्या सीखा, किस तरह का आपका परसेप्शन है वो डेवलप हुआ? आई थिंक ऐसा कुछ खास फिल्म के बाद सीखा नहीं है, क्योंकि उनके फोकलोर्स इतने ज़्यादा वो थे. मेरा हर एक डिपार्टमेंट को यही ब्रीफ होता था, चाहे कॉस्ट्यूम हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे वो भी हो, कि जो उनकी लेगेसी है, वी जस्ट हैव टू मैच अप टू दैट, क्योंकि इट इज़ टू लार्जर देन लाइफ, नथिंग इज़ गुड इनफ, यू नो. क्योंकि इतनी ज़्यादा उनका जो हीरोइज़म के जो किस्से हैं, चाहे वो फोर्ट से जो जंप मारना घोड़े पे, उसको करते करते हमको नानी याद आ गई, सच में ही नानी याद आ गई. बिकॉज वो फोर्ट से इतनी ऊंची दीवार से बच्चा पीछे बांध के जंप किया, वेदर हर एक्शन, इट जस्ट सीम्स दैट नथिंग इज गुड इनफ, जितनी उनकी इमेज है. सो आई थिंक इवन इफ वी लिव अप टू द इमेज, इट्स गुड इनफ. हेलो कंगना, ऑन योर लेफ्ट. जी, जैसे ये फिल्म का एक डायरेक्टर जो होता है, वो फिल्म का कैप्टन होता है, कैप्टन मतलब शिप होता है. तो ये फिल्म शुरू में जब हम लोग मिले थे तो क्रिश डायरेक्ट कर रहे थे, बाद में आपने उसको कंटिन्यू किया. तो एक विजन जो था उसको आगे बढ़ाना कितना चैलेंजिंग रहा, क्योंकि एक विजन के साथ फिल्म चल रही थी, फिर आपने उसको आगे बढ़ाया. एंड कमल जी, ऐसा मतलब क्या हुआ कि कैप्टन ऑफ द शिप ही फिल्म छोड़ करके चले गए, या उस बीच में जैसे चले गए? ऐसा नहीं था कि वो बीच में छोड़ के चले गए, ऐसा कुछ नहीं था. बट बेसिकली व्हाट हैपेंड इज़ कि उनके पहले से कमिटमेंट थे दूसरी फिल्म के, जो कि वो अभी शूट कर रहे हैं, एंड NTR की बायोपिक. और दिस फिल्म हैज़ टेकन मोर टाइम देन व्हाट वी एंटिसिपेटेड अर्लियर, सो ही हैड नो टाइम, सो ही हैड टू गो फॉर द अदर फिल्म. एंड दैट पॉइंट इन टाइम व्हेन वी सॉ द एडिट, वी थॉट ओके, दिस डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड एडिट, बट वी ऑलवेज वॉन्टेड 10 on 10, बिकॉज दिस इज रानी लक्ष्मी बाई, कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस, इट इज़ वंस इन लाइफ टाइम यू मेकिंग दिस फिल्म. So we thought that we will definitely want to reshoot few things. We want to shoot more. We wanted to, you know. As far as the creative aspect is concerned, I think I would really like to give credit to the writers who have. See, the script never changed from the day one. When Vijender sir narrated the script to me in my house, I was clapping and I was absolutely exhilarated with what he had narrated. So I just had to take their vision forward, which I could interpret, because I think after this, I think 60 to 70% film is what I have shot. So it's not that I had to take somebody's vision forward. I can have my own vision with the material that I was given, which was always the same. So I didn't see any obstacle like that, but yes, it is definitely much more difficult to step into somebody's shoes rather than doing your thing from the beginning. It is definitely, I think if I direct a film again, that will be much easier than this one, for sure. Kangana, hi. I have two questions. One is, I'm Pankaj from Urban Nation. One is, how difficult or easy was it to direct your own self in your first film? And the other bit is, this is a female, a film with a female lead, and it is releasing on a festival day. And it has that patriotic feel, and you are also directing and acting in it. So how is that, I mean, how are you feeling? Are you nervous, excited? Well, I'm absolutely excited, क्योंकि हम लोगों ने इस फिल्म पे इतने सालों तक काम किया है, and it is a bit difficult not to be directing yourself, but इतने सारे costumes के साथ में और jewelry के साथ में मुझे हमेशा monitor से भाग के actors के पास, actors के पास भाग के monitor के पास, so वो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मुझे इतने सारे कपड़े पहन के डायरेक्शन करनी पड़ रही है. बाकी अदर देन दैट, इफ फिजिकली इट वाज नॉट इनकन्वीनियंट, इट वुड हैव बीन एब्सोल्युटली ग्रेटिफाइंग, बट इट वाज ग्रेटिफाइंग इनडीड. बट लाइक आई सेड, दोज फिजिकल ऑब्स्टिकल्स वर द प्रोबेबली ओनली थिंग, वेयर हेयर एंड ऑल ऑफ दैट, एंड यू नो, यूर डायरेक्टिंग एंड यूर स्वेटिंग एंड एवरीथिंग इज जस्ट sort of falling apart, and you're running to 10 actors to give 10 instructions. That was the most testing part. Other than that, I think I had really amazing cast, always laughing, joking, and having fun. So that was really nice.